सिंधुताई सबकाल वरिष्ठ समाज सेविका अब इस दुनिया को अलविदा कह गई। जी हाँ, अनाथों की सेवा करने वाली भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सिंधुताई सबकाल का मंगलवार को पुणे में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 73 साल की थी। एक महीना पहले सिंधुताई सबकाल का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। उनका इलाज पुणे के गैलेक्सी केयर अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सिंधुताई सबकाल को माई कहा जाता था। उन्होंने अपने जीवन में 1000 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया, उनको पढ़ा लिखा कर काबिल भी बनाया। इनमें से कई लोग आज खुद अनाथालय चलाते हैं। सिंधुताई को अपने सामाजिक सेवा के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। तो आइए उन्हें याद किया जाए, उनके जीवन को फिर एक बार जिया जाए हमारी इस खास पेशकश के जरिए। अरे रड़ता रड़ता डोले भरले भरले आंसू सरले सरले आता हुंद के उरले आता हुंद के उरले नाही जीवाले हिसावा। अरे आसवा बिगर रडू नको माझा जीवा रडू नको माझा जीवा तुले रड्याची रे सव आसू हासव हासव ह्यात संसाराची चव। आज के इस कलयुग में जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ जाते हैं तो गैरों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। खून के रिश्तों की अहमियत जब कोई समझने को तैयार नहीं और केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों की डोर हर ओर टिकी हुई है, ऐसे अंधेर नगरी में एक आशा की निस्वार्थ जोत जलाई माई सिंधुताई सबकाल ने। माई सिंधुताई ने समाज की केवल विसंगतियों का सामना नहीं किया, बल्कि उन अड़चनों का सामना कर मानव जाति के सामने एक मिसाल भी कायम की। उन बेसहारा बच्चों को अपना बनाकर जिन्हें जन्म तो माई सिंधुताई ने नहीं दिया, लेकिन प्यार सगी माँ से भी ज्यादा किया। सिंधुताई सबकाल ने बेसहारा बच्चों के लिए जो किया वो अपने आप में एक मिसाल है। अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए सिंधुताई ने ट्रेनों में भीख तक मांगी ताकि अनाथ बच्चों की भूख मिटा सके। इसीलिए उन्हें मदर टेरेसा ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। बेसहारा बच्चों के लिए उनके द्वारा किए गए कामों को देखते हुए ही भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आखिर सिंधुताई सबकाल कौन थी, इसके अतीत को भी जानना बेहद जरूरी है। ये जानना बेहद जरूरी है कि सिंधुताई सबकाल ने खुद जीवन में कितनी ही परेशानियों का सामना किया और कैसे उन्होंने बेसहारा बच्चों को सहारा देकर 1500 बेसहारा बच्चों की वो माई बनी। वैसे तो पुरोगामी महाराष्ट्र की धरती पर समाज सेवी और संत महात्माओं की कमी नहीं, लेकिन इन सबसे आगे हम सिंधुताई के योगदान को देखते हैं। अपनी अनोखी शैली के लिए हमेशा लोगों की आंखों में आंसू ला देने वाली कहानी की शिल्पकार सिंधुताई को शत शत नमन करते हुए उनके अतीत के पन्नों को हम भी खंगालने की कोशिश करते हैं। म्हणून एक लक्षात घ्या, मी एक साधी बोळी बाई, जगता जगता इथपर्यंत कसे आले कळलंच नाही हो। एक मात्र खरे, आता मला लोक विचारतात माई गाणं म्हणायला कसं शिकलात। अरे बाबा, गाणं म्हटलं की खाणं मिळालं, भाषण दिलं की राशन मिळते। क्या खतरा बात आहे ना, कारण मी नॉन ग्रँटेड आहे, मला ग्रँड नाही। पण एक मात्र खरं आहे, हाफ टाईम चौथी पास आहे हे सांगितलं पाहिजे पहिल्यांदाच। फुल टाईम शाळेत गेलेली नाही, पण मी हाफ टाईम शाळेत जाताना सकाळी म्हशी वळायला जायची, म्हशी शाळेच्या जवळून जायच्या, जीव तुटायचा। मला वाचनाचा आणि लिहिण्याचा फार नाद कुठली, त्यावेळेस शाप होता आता वरदान ठरलं ना। शाळेजवळून जाताना म्हशी इकडे तिकडे घुसायचा, मला राग यायचा। पोरं शाळेत जायचे, मी म्हशी वळायला जायची। म्हशी पाण्यात बसले की मी शाळेत जायची। मी शाळेत उशिरा आलं म्हणून मास्तरनी मारलं, म्हशी पाण्यातून उठून शेतात घुसल्या म्हणून शेतकऱ्यांनी मारलं। डबल मार्कात मराठी चौथी पास, सिंधुताई सबकाळ जिंदाबाद। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जानी जाने वाली माई सिंधुताई सबकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में हुआ था। सिंधुताई सबकाल के पिता का नाम अभिमान साठे था। सिंधुताई के परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए बचपन से ही गरीबी की पीड़ा माई ने देखी थी। जबकि उनका परिवार मवेशी चराकर अपना गुजर बसर करता था। मतलब संघर्ष की असल मिसाल उन्हें
उनके घर से ही मिली थी। सिंधुताई आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके दमदार भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा के प्रति उनका लगाव काफी रहा होगा। सिंधुताई के पिता उन्हें पढ़ाना चाहते थे, जबकि उनकी माँ घर की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उनकी शिक्षा के विरोध में थी। हालांकि उनके पिता ने अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर भी अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घर की आर्थिक परिस्थितियों के चलते उन्हें चौथी क्लास में स्कूल छोड़ना पड़ा था। और यही कारण अपने कई भाषणों में माई खुद को अडानी कहती है। अडानी का अर्थ होता है अशिक्षित। घर की परिस्थिति के कारण जब माई को शिक्षा से वंचित रहना पड़ा, उसके बाद जब माई सिंधुताई 10 वर्ष की थी, तभी उनका विवाह 20 साल के व्यक्ति से करवा दिया गया था। परिवार के हालातों को देखते हुए सिंधुताई कुछ भी नहीं कह सकती थी, जबकि विवाह का बंधन भी सिंधुताई ने स्वीकार कर लिया। 20 वर्ष की होते होते सिंधुताई 3 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन सिंधुताई के मन में हमेशा से गरीबों और पीड़ितों के लिए दया का भाव था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उन्होंने महिलाओं को मजदूरी के पैसों ना देने के कारण गांव के मुखिया की शिकायत जिलाधिकारी से कर दी। इसे गुस्साए मुखिया ने सिंधुताई के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें उनके पति द्वारा ही घर से बाहर निकलवा दिया। उस समय सिंधुताई 9 महीने की गर्भवती थी। यही वो दौर था जब उनके त्याग और संघर्ष की कहानी ने अधिक विकराल रूप ले लिया। पति द्वारा मारपीट कर घर से बाहर निकाले जाने के बाद सिंधुताई ने बेहोशी की हालत में गायों के बीच एक बेटी को जन्म दिया, फिर अपने हाथ से नाल भी काटी थी। उस समय सिंधुताई के पास कोई घर नहीं था। तब तक सिंधुताई के पिता का देहांत हो चुका था और उनकी मां ने भी सिंधुताई को घर में रखने से मना कर दिया था। ऐसे हालातों में माई करती भी तो क्या। ऐसे में उन्होंने अपना पेट भरने के लिए ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। यही नहीं, पेट की भूख मिटाने के लिए कभी कभी शमशान घाट में चिता की रोटी भी उन्होंने खाई। जीवन की इन विपरीत परिस्थितियों में कई बार उन्होंने आत्महत्या करने का भी विचार किया, लेकिन जिस माई के हाथों एक ऐसा कार्य लिखा था जो समाज के लिए मिसाल कायम करता, वो भला खुदकुशी कैसे करती। समय बीतता गया और एक बार सिंधुताई को रेलवे स्टेशन पर एक बेसहारा बच्चा मिला। उस समय उनके मन में यह विचार आया कि देश में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एक माँ की जरूरत होगी। यही वो समय था जब माई के जीवन का मोड़ समाज परिवर्तन की ओर मुड़ गया और तभी से सिंधुताई ने निर्णय लिया कि जो भी अनाथ उनके पास आएगा वह उनकी माँ बनेगी। बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए उन्होंने खुद अपनी बेटी को भी एक ट्रस्ट में गोद में दे दिया और खुद पूरी तरह से बेसहारा बच्चों की मदद करने में जुट गई। अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए सिंधुताई ने हर संभव कोशिश की। उन्होंने अनाथ बच्चों का पेट भरने के लिए सड़कों पर भीख तक मांगी। अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनाने के लिए सिंधुताई ने कई शहरों और गांवों का भी दौरा किया। सिंधुताई ने अनाथ बच्चों को बस सहारा ही नहीं दिया बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी। उनके द्वारा अपनाए गए कई बच्चे आज डॉक्टर, वकील सहित अन्य पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। सिंधुताई द्वारा शुरू किया गया यह सिलसिला महाराष्ट्र की 6 बड़ी समाज सेवी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है। इन संस्थाओं में 1500 से ज्यादा बेसहारा बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। इन संस्थाओं में बच्चों के लिए अनाथ शब्द का उपयोग वर्जित है, क्योंकि इन सभी बच्चों की माँ का नाम सिंधुताई है। सभी बच्चे सिंधुताई को प्यार से माई कहकर बुलाते थे। यही नहीं, सिंधुताई के कई बच्चों की शादी भी हो गई है। सिंधुताई के संस्थानों में बेसहारा बच्चों की ही नहीं बल्कि विधवा महिलाओं को भी सहारा मिलता है। वो खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखरेख का काम करती है। सिंधुताई सपकाल ने बेसहारा बच्चों और महिलाओं के लिए जो किया वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्हें इन अच्छे कामों के लिए 700 से भी ज्यादा सम्मान से सम्मानित किया गया था। सिंधुताई को DY पाटिल इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा सिंधुताई के जीवन पर एक मराठी फिल्म
मी सिंधुताई सबकाल भी रिलीज हो चुकी है। ऐसी थी हमारी सिंधुताई, जो आज भले ही हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी हमें सदा ऊर्जा प्रदान करती रहेगी। सिंधुताई का बेसहारा लोगों के प्रति बलिदान ही एक मिसाल कायम करता है। माई हमें छोड़कर जरूर चली गई हो, लेकिन हमारे अंतर्मन में सिंधुताई हमेशा अमर रहेगी, जिन्हें हम शत शत नमन करते हैं।